बचपन से हमारा शौक़ होता है कि हम कहानियाँ सुने, हमको कहानी सुनाने वाला हो, इसी में हमारी उम्रें बीत जाती हैं और हम बड़े हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन असल में जो होता है वो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कहानियाँ जो है वो बार बार सुनाई जानी चाहिए। मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक आदमी होता है, उसके बच्चे जा रहे होते हैं, बच्चों को बता रहा होता है कि ये इस रास्ते से आपने ऐसे जाना है जहाँ पे आपको ठोकर लग सकती है, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे गली ख़राब है, जहाँ पे कांटे हैं, और यहाँ से आपने मुड़ना कैसे है, और यहाँ से आपने तेज़ चलना है, और यहाँ पे आपने स्लो जाना है। बच्चे जो उसके बच्चों को उसने हाथ पकड़ा होता है, बच्चे बहुत तंग हो रहे होते हैं कि हमें इस तरह क्यों गाइड किया जा रहा है। वो उनका वालिद होता है जो बच्चों को सिखा रहा होता है कि ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। फिर एक वक्त आता है कि वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हीं बच्चों ने अपने बच्चों को हाथ पकड़ा होता है, तो तब उन्हें समझ आती है कि ज़िंदगी को गुजारना कैसा था, ज़िंदगी को समझना कैसा था। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे जो वालदैन होते हैं, वो हमें कहानियाँ सुना के हकीकतों से रूशनास करते हैं, लेकिन हम हमेशा हकीकतों से भागते हैं, और जब वही हकीकतें किसी बुरी शक्ल में आके हमारे सामने खड़ी होती हैं तो तब हमें एहसास होता है कि हम गलती कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तक ज़िंदगी जब बहुत आगे जा चुकी है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया।